हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक मिनी डॉट बाइक। गाइस ये जो बाइक है ये एक्चुअली में एक बड़ी बाइक का छोटा मॉडल है और ये जो है एक्चुअली में चलती है पेट्रोल से। जी हाँ गाइस, ये जो नन्हे मुन्ने सी बाइक है, छोटी सी बाइक है, ये पेट्रोल के इंजन से चलती है। इसके अंदर एक 49 सीसी यानी 49 सीसी का इंजन। और आज हमारे पास में एक नहीं बल्कि यहाँ पर है 4 ऐसी डर्ट बाइक, मिनी डर्ट बाइक। और गाइस आज हम करने वाले इनके साथ में बहुत ही कमाल। पहले तो आपको दिखाएंगे कि ये कैसे चलती है। भाई ये अपने आप में बहुत ही मजेदार मशीन्स है। और उसके बाद में इनको लेके जाएंगे पब्लिक में और फिर देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन रहता है। हम जो इनमें पेट्रोल भी डलवाने वाले हैं पेट्रोल पंप पे, तो उनका रिएक्शन भी देखेंगे। और बाकी भाई क्योंकि ये जो पूरी चीजें हैं, ये जो ऐसी बाइक्स है ना, ये हमारे एरिया में तो किसी ने नहीं देखी होंगी, मैंने खुद ने आज तक नहीं देखी और चलने में भी बहुत मस्त चलती है। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो जरूर से दबा देना और इन बाइक्स के साथ में और क्या करना चाहिए वो नीचे कमेंट्स में बता देना। तो अब शुरू करते हैं फटाफट से। गाइज यहाँ पर बाइक भले ही छोटी है लेकिन सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जो हेलमेट्स हैं वो तो भाई पहनना जरूरी ही है, क्योंकि यार क्या पता भाई है तो व्हीकल ही और चलने वाला है रोड के ऊपर। तो भाई ऑल सेट, जो गाड़ी है उसके अंदर डालते हैं फटाफट से तेल यानी कि पेट्रोल और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। गाइज इसके अंदर डलता है पेट्रोल, लेकिन ये जो पेट्रोल है इसमें टूटी ऑयल जो है वो मिक्स करना पड़ता है तब जा करके ये इसको चलाने लायक बनाता है। क्योंकि इसमें जो है 2-स्ट्रोक इंजन है, इसका जो इंजन है उसमें कोई लुब्रिकेशन नहीं होता, वो हम डाल रहे हैं बस बहुत है, बहुत है, बाकी में डाल दो। ये लोग जब तक पेट्रोल डालते हैं मैं तब तक आपको इसके फीचर जो है वो दिखा देता हूँ। गाइस इस बाइक के अंदर टायर जो है वो छोटे साइज के हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क ब्रेक है ताकि जो ब्रेकिंग है वो बढ़िया से हो सके। इस गाड़ी के अंदर शॉकर्स हैं, देखो ये ऐसे नीचे दबता भी है, आगे 2 शॉकर्स और पीछे स्पोर्ट्स बाइक वाला एक शॉकर है। प्रॉपर चैन सिस्टम है, यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर इसकी बैटरी है जो कि इसको सेल्फ स्टार्ट का काम करवाती है। पीछे जो है पीछे भी डिस्क ब्रेक है लेकिन वो इस साइड में है। ये साइलेंसर है इसका, यानी कि जो चीज़ें एक बाइक के अंदर होती हैं वो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो आप फटाफट से चारों बाइक को स्टार्ट करते हैं और पब्लिक में लेके चलते हैं। तो भाई काम हो चुका है, गाड़ी करते हैं ऑन, हो गई है स्टार्ट, चलते हैं। तो गाइस अब सारी भीड़ छट चुकी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी पहले, तो अब हम लोग भी निकलते हैं। भाई हमने थोड़ा सा टाइम लिया कि यार एक बार सब शांत होने तो उसके बाद चलेंगे। चलो गाइस करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। मेरी बाइक का जो है बैटरी डाउन हो गई है, इस बारे से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे भी होती है इस साथ। चलो भाई आ जाओ चलते मार्केट में। तो भाई फोटो ले रहे हैं वहां से। गाइज यहाँ पे मैंने इंजन बंद कर दिया गाड़ी का और ढलान की वजह से अभी भी ये चल ही रही है। भाई साहब ये जो गाड़ी है ना यार ये इतनी छोटी है, इसमें जो घुटने हैं ना वो इसके हैंडल तक आते हैं, खोल के चलाना पड़ता है इसको।
ज्यादा तेज करती है भाई ये। भाई साहब एकदम बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई साहब बना दिया यार। हाँ बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। ना चल रही है ये, बंदी नहीं हो रही भाई, भीड़ लग जाती है इसकी वजह से। रुक जाती है ऐसे, बिना इसके कितनी देर चलेगी। इंडिया में नहीं आती है, हमने तो बाहर से मंगवाई है। रहने वाले यहीं के बढ़िया लगी कि नहीं लगी है बताओ। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये सब अपने आप आए हैं। मना भी रेस मत दीजिए ना, रुको। अरे ना ना कोई दिक्कत नहीं, करवा दे स्टार्ट। रेस दे रेस दे, जावा दे स्कूटी की तरह। बहुत बढ़िया इसको छोटे बच्चे से बड़े तक कोई भी चला सकता है इसको। थैंक यू अंकल, ये जुगाड़ बनाना पड़ता है भाई। मेरी गाड़ी लेके चले गए भैया वहाँ पे। चलो भाई जब पैसा ना दिया, चलो उन्हीं ने जाना तो थोड़ी भीड़ का। चार है हमारे पास, एक पता नहीं कहाँ रह गया हमारा। आगे देखो पीछे गाड़ी में आगे आगे प्रॉब्लम आ गई। इसकी चैन उतर गई भाई, इसकी आम चैन उतर गई है। अबे साले ये प्रॉपर देखो, या तो इंजन से है, कार्बोरेटर हो गया। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। नंबर नंबर यही दिखा ना भाई साहब, कुछ भी के नंबर और भैया एकदम बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गया भाई, भीड़ लग जाती है इसको देखते ही लग जाती है। देखो एक बार कितने लोग हुए, ये दारू पिला कर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है ये। भाई साहब यहाँ आओ लगभग 50,000 के आसपास, 50,000।
मेरे पास रुको फोन करो अब जोर से खींचो जोर से और जोर से ना तुमसे ना हो पाएगा और तेज खींचो तेल खत्म हो गया मैं गजब बेइज्जती है भाई साहब एक लीटर में चल जाती है लगभग 50-60 किलोमीटर पर भीड़ देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे यार सीरियसली सब लोगों में इंटरेस्ट है कि ये क्या चीज़ है कहाँ से आई है कितनी चलती है कितनी एवरेज देती है कितने रुपए की आती है इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं मैं तो आगे आ गया हूँ मेरी बाइक पता नहीं कौन चला रहा है फिलहाल देखो जस्ट लुक एट इट गाइस मजा है यार मजा आ गया सीरियसली यार रुको ऑन करो अब जोर से खींचो जोर से और जोर से ना और तेज खींचो आगे एक बार भीड़ देखो कितने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ भाई ओ भाई मेरी गाड़ी बंद हो गई गाइस गाड़ी बंद हो गई कुछ ऑन करूं मैं कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप आपके पास लाइसेंस है बाइक चलाने का लाइसेंस है आपके पास क्या करूं बताओ क्या करूं इसको खींचो इसको इससे स्टार्ट करो जोर से खींचो इसको ले मैं खींच दूं ठीक है अब धीरे धीरे रेस मारो ना आराम से गुरु धीरे धीरे रेस मारो धीरे बच्चे पे ठीक सूट कर रहा है बस बहुत है क्या बात है यार बढ़िया लगी मजा ना आयो अरे यार तू बैठ जा पीछे आ जा पकड़ के बैठो पैर ऊपर रखो यहाँ पे ना रखो
भाई साहब कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी भाई साहब, सबको बढ़िया लगी। क्या बात है भाई साहब, थैंक यू सो मच। गाइस ये हमारी छोटी सी बाइक, अंधेरा हो चुका है अभी भी। तो गाइस यहाँ पर भाई साहब वापस आ चुके हैं और जो गाड़ियां हैं भाई उनको हमने मार्केट में चलाया भाई, लोग बाग जो है ना पागल हो गए सही में देख के, क्योंकि इतनी छोटी छोटी भाई, इतनी नन्नी मुन्नी बाइक किसी ने नहीं देखी और अंधेरा हो गया, हमको चला चला दे भाई मजा आ गया। कम से कम भी नहीं तो हमने इनको लगभग 20 किलोमीटर तो चलाया होगा। पेट्रोल पंप पे सबसे ज्यादा मजा आया, तेल डलवाने के लिए जब हम रुके हर कोई पूछ रहा है कितना एवरेज देती है, कितना माइलेज देती है, कितने सीसी का इंजन है, कितने ये आती है भैया। कोई मजा आया सबको सवालों का जवाब देने में, और भाई मतलब जो सोचा था उससे कहीं जबरदस्त जो पब्लिक रिएक्शन है वो आया है। अब गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको भी मजा आया होगा। अब इन बाइक्स के साथ में क्या करना है गाइज, नीचे कमेंट्स में बता देना जरूर से, वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। और यहाँ पर एक दो प्रॉब्लम भी हो गई, एक जो करतार वाली वाइट वाली बाइक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो शुरू में रह गई और पीछे रह गई और हमेशा पीछे ही रही, वो हमारे साथ मैच ही नहीं हो पाई। और बीच में जा करके जो अंकित की बाइक है वो एक बार ओवरहीट हो गई थी ब्लू वाली, लेकिन बाद में ये ठीक हो गई और अब हम वापस आ गए हैं। अभी तो सारी ठीक हो चुकी गाइज, अभी ये जो है सारी की सारी चालू है। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अब यार गाइज कितनी बार बोलूं भाई, बस लाइक कर देना, इसके लिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।